हे गाइस, कॉमिकर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो बॉयज के 5 एपिसोड देखने के बाद आई कैन वेरी सेफली से दिस कि इसका जो सीजन 3 है वो मुझे अभी तक का सबसे बेहतरीन लगा। और क्योंकि हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बात करनी है तो जल्दी जल्दी से कॉमिकवर्स से, मैं हूं मोहित और आज हम लोग बात करने वाले हैं द बॉयज के सीजन 3 के एपिसोड 5 के बारे में कि क्या था, क्यों था, कैसे था। तो बिना अपनी गर्लफ्रेंड को जिंदा जलाए चलिए शुरू करते हैं। तो बॉयज का एपिसोड 5 वहीं से शुरू होता है जहां पर एपिसोड 4 खत्म हुआ था। किमी को बहुत ही बुरी तरह से घायल है, सोल्जर बॉय के मुंह में रशियन लोगों ने बंदूकें खोल दी, बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव हो चुका है, ह्यूई हरी उल्टियां कर रहा है और होमलैंडर ने वॉट की कुर्सी संभाल ली। नहीं मतलब वो ऑफिशियल सीईओ नहीं बनता, उसकी जगह एशली बनती है, लेकिन ये पूरी की पूरी सीक्वेंस इतनी फास्ट हो जाती है कि हमें पूरे 15 मिनट में सारी की सारी सिचुएशन एक्सप्लेन कर दी गई। एंड इट वाज वेरी गुड टू सी कि बॉयज वाले बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। उन्होंने झट से सोल्जर बॉय को रशिया से प्लेन में बिठाया, यूएसए के न्यूयॉर्क में टपका दिया और वो आते एक दुकान भी उड़ा देता है। और इस वाले एपिसोड में हमने होमलैंडर की वो प्रेजेंस फील नहीं करी जो हम पिछले 4 एपिसोड तक करते आ रहे थे। और उसका रीजन बहुत ही सिंपल सा है, क्योंकि इन लोगों को सोल्जर बॉय को स्पॉटलाइट में लेकर आना था। और इससे एक बात और समझ में आ गई कि सुपर हीरो चाहे अच्छा हो या लसन किस्म का, अगर उसे कुर्सी पे बिठा दिया तो कुछ भी ढंग का काम नहीं कर सकता, क्योंकि होमलैंडर दूसरे दूसरे डिविजन में अपने साथी सूप्स को बिठा देता है। और मैं कसम से बता रहा हूँ, इन लोगों को संतरे और अंगूर में फर्क नहीं पता। खैर, इधर ह्यू और स्टारलाइट की एक बहुत ही बढ़िया सी कन्वर्सेशन होती है जिसमें वो ब्रेड पे मक्खन लगाते लगाते डॉम और उसकी फैमिली का रेफरेंस दे देता है। फास्ट एंड द फ्यूरियस बॉयज के यूनिवर्स में भी एग्जिस्ट करती है फैमिली। लेकिन इसके साथ साथ वो ईमानदारी से ये भी बता देता है कि उसने कुछ इंजेक्शन ले लिया था जिससे वो कपड़े उतार के टेलीपोर्ट कर लेता है कहीं पे भी। और हाँ, इससे मुझे याद आया कि कॉमिक बुक्स में चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होती है। शो की तरह कॉमिक बुक्स में ह्यूई उस सस्ते कंपाउंड वी को ऐसे ही अपने शरीर में घुसेड़ नहीं लेता है। बिली बुचर उसे जबरदस्ती कंपाउंड वी देता है जिस वजह से उसके पास पावर्स आती है। एंड स्पीकिंग ऑफ पावर्स, तो कॉमिक बुक्स में ह्यूई की पावर्स थोड़ी सी डिफरेंट है। जहां पर वो यहाँ पे टेलीपोर्ट कर सकता है, वहां कॉमिक बुक्स में उसके पास केवल और केवल सुपर स्ट्रेंथ है। वैसे पिछले एपिसोड में हमने ये भी देख लिया कि इसके पास भी सुपर स्ट्रेंथ है, क्योंकि मुक्का मार के किसी को फाड़ देना कैसे ऐसे तो हो नहीं सकता ना। और मैंने एक चीज और भी नोटिस करी कि ये जितने भी सस्ते कंपाउंड वी लगाकर इन लोग के अंदर जो पावर्स आ रही हैं, तो जैसे ह्यूई को टेलीपोर्टेशन की पावर मिली है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत ही तेज रफ्तार से पहुंच जाना, तो ये पावर उस सूप से रिलेटेड है जिससे उससे सबसे ज्यादा नफरत है, मतलब ए ट्रेन। वहीं दूसरी तरफ बिली बुचर अपनी आंखों से लेजर फायर कर सकता है एंड वो पावर उस सूप के पास है जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता है, होमलैंडर। कहीं ना कहीं बॉयज वाले आयरनी दिखाना चाह रहे हैं कि यू एक्चुअली बिकम व्हाट यू हेट। एंड स्पीकिंग ऑफ बिली बुचर, इस वाले एपिसोड में मेरी शुरू से, मतलब जो सीजन 1 से तमन्ना थी वो पूरी हो गई, बुचर और मेव के बीच में झकाझक। लेकिन ये करने से पहले ये स्पाइडरमैन को भी नहीं छोड़ता, क्योंकि उसका जो ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला डायलॉग है उसके ऊपर ही बॉयज वाले अपना टेक लेते हैं कि विद ग्रेट पावर्स कम्स एब्सोल्यूट सर्टेनिटी दैट यू आर गोइंग टू बिकम अ अपशब्द। लेकिन इस पूरी चीज को होमलैंडर अपनी सुपर स्मेल से सूंघ लेता है और कहता है कि तेरे से बिली बुचर की बुआरी, मेरे में क्या कमी थी। और वो पकड़ता है ब्लैक नोआर के साथ मिलकर उसको गायब करवा देता है, जैसे एपिसोड 1 से हमें बड़ी दिखाई दे रही थी। जिसका मतलब ये है कि इस सीजन में क्वीन मेव को सिर्फ एक ही चीज के लिए रखा है, बिली बुचर को कंपाउंड वी देने की बात कर रहा था। तुमको क्या लगा, गंदी सोच। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किमिको और फ्रेंजी अपनी जिंदगी में बहुत मस्त है, लेकिन तभी लिटिल नीना आती है और उनके काम में खलल डाल देती है। बाय द वे, किमिको इज स्टिल हैप्पी क्योंकि उसकी पावर्स पूरी तरह से जा चुकी हैं और अब वो एक नॉर्मल इंसान बन गई। फिर इसके बाद दूसरी तरफ हमने ए ट्रेन की कहानी को देखा, जो ब्लू हॉक नाम का वो जो लसन सूप है एकदम रेसिस्ट एक नंबर का, उसको लेकर जाता है अपने भाई लोग की कम्युनिटी में और अपोलॉजी के लिए। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कॉमिक बुक्स के ग्राउंड हॉक को रिजेंबल करता है, जो एक्चुअली में एक ऐसे सुपर हीरो को रिजेंबल करता है जिसके हाथों में से ऐसे लोहे के कांटे निकल आते हैं। लेकिन कॉमिक बुक्स में ग्राउंड हॉक के हाथों में कांटों की जगह हथौड़े होते हैं, बस यही रिजेंबलेंस खत्म हो जाती है, क्योंकि ब्लू हॉक इनसे बहुत ज्यादा डिफरेंट है। इसकी मेन सुपर पावर प्रोबेबली सुपर स्ट्रेंथ है, जिसका इस्तेमाल करके वो वहां पे जितने भी बेचारे लोग होते हैं उनको उठा के फेंक देता है। इसमें ए ट्रेन का भाई नेट काफी बुरी तरह से घायल हो जाता है एंड प्रोबेबली शायद अब ये फट्टू ए ट्रेन कुछ अपनी जिंदगी में सिग्निफिकेंट कर पाएगा। लेकिन इसके साथ ही साथ मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि सोल्जर बॉय की जो पूरी सिचुएशन है वो पूरे 15-20 मिनट में क्रिएट कर दी गई, और उसकी वजह से बॉयज और होमलैंडर ये सब के सब पैनिक कर चुके हैं। लेकिन बिली बुचर एक बढ़िया स्कीम लेके आता है, दोस्त का दुश्मन अपना दोस्त है।
गलत हो गया। दुश्मन का दोस्त अपना दोस्त है, ये भी गलत हो गया। दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त है, यस। लेकिन एक चीज को लेके मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूं कि होमलैंडर इतना ज्यादा सुपर पावर्ड बीइंग है और वो एक ऐसे शख्स को देखकर जो बस एक बड़ा सा धमाका कर सकता है, इतना ज्यादा कैसे फट लेती है इसकी। बट इसके अलावा हमने फाइनली इस वाले सीजन में द लेजेंड को देखा, और अगर आप लोग को नहीं पता तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे मैं बता देता हूँ कॉमिक बुक्स के रेफरेंस देके, ज्ञान भी नहीं बोल सकता मैं। तो कॉमिक बुक्स में द लेजेंड नाम का कैरेक्टर बहुत ज्यादा फेमस है। बिली बुचर और उसके बॉयज लगातार उसके पास जाते रहते हैं उसकी मदद के लिए। ये बेसिकली इस यूनिवर्स का स्टैनली है, क्योंकि वॉट के पास इतने सारे सुपर हीरोज हैं तो उनकी कहानियों के ऊपर ये बंदा कॉमिक बुक्स बनाता है इस वाले यूनिवर्स में। और इस वाले शो में हमने लेजेंड का एक थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन देखा, हालांकि उसके पास भी कॉमिक्स वाले की तरह एक नकली पैर होता है, लेकिन ये यहां पर कॉमिक बुक्स लिखने की बजाय सूप्स को शोबिज और मूवीज में लेके जाता था। फिर यहां पे स्टील नाइट नाम के एक सूप का नेम ड्रॉप कर देते, तो मैं बता देता हूं कि स्टील नाइट जो है वो कॉमिक बुक्स में एग्जिस्ट करने वाला वो सूप था जो सोल्जर बॉय, मतलब जो पुराना सोल्जर बॉय था जो बैटल ऑफ बल्ज नाम के एक बैटल में मारा गया था उसकी पूरी टीम के साथ में। ये वो तो था ही, लेकिन इसको आगे जाकर रिप्लेस कर दिया गया टेक नाइट से, जो पेबैक नाम की टीम का एक बहुत ही बढ़िया मेंबर था। थिंक हम इसको अगले सीजन में देखेंगे, जब देखेंगे तब इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन इसके अलावा हमने सेथ रोजन का एक बहुत ही बढ़िया सा कैमियो देख लिया, मिस्टर कम्स अ लॉर्ड 779 के फॉर्म में। वहां नू मास्टर 69 है बॉयज के यूनिवर्स में, ठीक है भाई, ठीक है। लेकिन एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग सी थी कि क्रिमजन काउंटेस जो सोल्जर बॉय की पुरानी गर्लफ्रेंड थी, शी ऑलरेडी न्यू कि ये लोग उसे रशिया में पकड़ के रखे हुए हैं और वो जिंदा है, लेकिन सोल्जर बॉय की आशिकी भी माननी पड़ेगी भाई। गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया आप ये बात जानते हो, लेकिन उसको मारने के लिए भी आप बढ़िया दाढ़ी वाड़ी सेट फेशियल हेयर कट सब करवा के आए हो, एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। लेकिन इस एपिसोड के खत्म होने से पहले हम स्टारलाइट और ह्यूई के बीच में एक छोटा सा कन्फ्रंटेशन देखते हैं, जिसमें ह्यूई उससे कहता है कि तुम हमको ज्वाइन कर लो। फिर स्टारलाइट कहती है कि तुम मर्डरर का साथ क्यों दे रहे हो, मर्डरर का साथ क्यों दे रहे हो। होमलैंडर इसके फूफा के बेटे का बाप है क्या, उसने तो कोई मर्डर ही नहीं करे। खैर जो कुछ भी है इस एपिसोड का एंड तो हो जाता है, लेकिन मैं अगले एपिसोड के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, आपको भी होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता अगले एपिसोड के बारे में तो एक बार बस बॉयज का हीरोगैज्म गूगल कर लो, नहीं मत करना, सीरियसली मत करना, पता नहीं अगले एपिसोड में क्या दिखाएंगे ये लोग। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये कि मैं इस पे वीडियो कैसे बनाऊंगा। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक और शेयर कर देना। तो जाने से पहले कॉमिक को इससे मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग एज ऑलवेज keeping awesome. There is a new kind of dushman in our lives and we have to unite once again to fight. Problem ye hai, there are too many mazd log these days who are walking around with long hair, waxed legs and shaved chest. Men today are spending more time in beauty parlors than in gym where they belong. Ye mazd sirf naam ke hain, ye cooking karna chahte hain. They want to look after babies, get their hair permed and their face cleaned. They want to feel like Benji.